ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉइस शेविंग चैनल। और इससे पहले कि हम शेविंग वीडियो में आगे बढ़े हैं, शेविंग के बारे में कुछ भी जाने, आज फिर से एक एक्सपेरिमेंट। और आज जो है, मैं ये पर्ल शेविंग का जो ब्रश है जिसका नॉट निकल गया था, और उसको आज हम लास्ट में यूज करके देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे से लास्ट टाइम ये गलती हुई थी कि मैंने नॉट और हैंडल तक ऊपर तक भिगो दिया था गर्म पानी में। आज देखो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्रिसल्स डूबे हुए हैं। चाहे तो थोड़ा और पानी कम कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ ब्रिसल्स डूबने चाहिए आपके, मतलब ब्रश के, ठीक है? तो ये डुबा के रखते हैं और 10 से 12 मिनट जब तक हम शेविंग करेंगे और फेस वॉश प्रोसेस देखेंगे, तब तक जो है वो ये ब्रश सोप होते रहेगा गर्म पानी में, और फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो काफी लोगों ने, जैसे मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि काफी लोगों ने ये बोला कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि यार शेविंग जो है नेक पे अगर हम करते हैं तो इरिटेशन क्यों होता है। उसका एक मेन रीजन ये है कि फेस वॉश जो है बराबर हम नहीं करते, क्लेंज नहीं करते नेक की स्किन को शेविंग के पहले। अब आज लगभग 2 से 3 दिन की दाढ़ी है और हम कुछ डेफिनेटली प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा फेस वॉश नहीं करना तो एटलीस्ट दाढ़ी का एरिया आप कैसे वॉश कर। तो उसके लिए आ गए हैं हम अपने असली फॉर्म में। अब शर्माना क्या है आप लोगों से? तो ठीक है, अब ये गर्म पानी थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, इतना भी नहीं कि स्किन जल जाए, लेकिन इतना गर्म कि आपके जो बाल है वो थोड़े लूज और थोड़े से ये हो जाने चाहिए, सॉफ्ट हो जाने चाहिए। अब देखो, ये पिंक उल्फ का फेस वॉश, या आप जैसे जानते हो कि ये 3 in 1 नो सोप डिटॉक्सीफायर है विथ नीम टी ट्री मिंट एंड फ्रेंच ग्रीन क्ले, ठीक है? अब इसको मैं हाथ पे इस तरीके से कर लेता हूँ और सिर्फ शेविंग एरिया जो है वो हमको बराबर से अच्छे से क्लेंज करना है। जिन लोगों को फोम जो बनता है फेस वॉश में उससे तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए फेस वॉश बहुत बढ़िया है। देख सकते हो इसमें कोई फोम वगैरह नहीं बनता। इसमें ना बहुत बढ़िया क्ले है जिससे एक्सफोलिएट हो जाता है और आपको बिल्कुल भी रफ महसूस नहीं होता स्किन पे। तो ये देखो, तो आपने इस तरीके से वॉश किया, फिर आप वापस ऐसे भी कर सकते हो ताकि स्किन तक पूरा वो प्रोडक्ट पहुंचे और उसका इफेक्ट मिले। बाद में जब आपको लगता है कि यार आपने फेस क्लेंस कर लिया है, उसके बाद में सिंपल या तो ऐसे पानी से लेके आप पोंछ सकते हो, ठीक है? पूरा ड्राई ना करना चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, या फिर अच्छे से पूरा ऐसे पूरा पानी थ्रो करके धोना चाहो तो वैसे भी धो सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो मैंने तो ये साफ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ओके, और ये गर्म पानी में रहने दूंगा ऐसे ही। और अब हम आगे बढ़ते हैं शेविंग की तरफ। तो यार, 2 मिनट में मैंने सिर्फ फुल स्लीव से हाफ स्लीव वाला टी शर्ट पहन लिया। ऑफकोर्स ज्यादा कंफर्टेबल रहता शेविंग वगैरह करने के हिसाब से, ठीक है? अब आज का जो सोप है वो है हमारा गोदरेज शेविंग राउंड। यस, एकदम बजट 22 रुपए का पक है, 20 रुपए में रिफिल मिल जाती है इसकी। अब देखो, बिल्कुल इसको यूज नहीं किया है, आपके सामने ही खोला है, बिल्कुल गीला नहीं, एकदम सूखा है। ब्रश जो यूज कर रहे हैं वो है रुबाब मेन का ब्लैक हैंडल सिंथेटिक नॉट शेविंग ब्रश, ठीक है? अपना जो ये बोर हेयर ब्रश है ये बढ़िया सोख हो ही रहा है, होने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब गोदरेज शेविंग राउंड को यूज करने के 2 तरीके, या तो आप डायरेक्टली पक से कलेक्ट कर लो और फिर बोल लादर या फेस लादर कर लो, या फिर एक और तरीका है कि आप इस तरीके से पक को थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लो और अपने गीले स्किन पे या गीले दाढ़ी पे उसको थोड़ा सा लगा लो, ठीक है? आर्को जैसे अभी लग दिया। अब थोड़ा सा मैंने फैला लिया, स्क्विश कर लिया हाथ और थोड़ा सा कलेक्ट भी कर लेता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए कि आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। ये वैसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस तरीके से इसको यूज करना, क्योंकि इसका पग काफी छोटा है और सोप थोड़ा बाहर भी आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ही सोप चाहिए, जरूरत पड़े तो और ले सकते हो आप, ठीक है? चालू करते हैं लादरिंग। इसकी तारीफ तो एक्चुअली सिर्फ अपन इंडियंस लोगों ने ही नहीं, फॉरेन के भी काफी लोगों ने इसकी तारीफ की है। बहुत लोगों ने बोला कि ये बजट में बहुत बढ़िया शेविंग सोप है, और ऑफकोर्स इस
कोई लग्जरी वाली तो ऐसी बात नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम गोदरेज शेविंग राउंड से, लेकिन शेविंग के लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, लादर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बबल्स भी छोटे ही लग रहे हैं, तो एक्सपेक्ट हम ये करेंगे कि डिसिपेट ना हो। हाउएवर जिससे आप लादरिंग करते हो तो आपको शेविंग क्रीम जैसी फीलिंग नहीं आती, थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आती है। ठीक है, तो अब ये जो है ये इसका लादर हो गया तैयार, और लादर मेरे को तो ठीक लग रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है। आपको अपने लोकल मार्केट में मिल सकता है गोदरेज शेविंग राउंड, अगर लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप shavingkit.in पे से भी ले सकते हो, मिस्टर अमित कलंबे से। यार बहुत अच्छा लादर बना यार, देखो, और मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई डिसिपेट वगैरह हो रहा है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है लादर। ठीक है, अब सो ब्रश को रख देते ऐसे ही, और आज की रेजर और ब्लेड देख लेते। रेजर आज की है रुबाब मेन की, ये 3-पीस रेजर विच इज अ क्लोज कॉम। ठीक है, अब ब्लेड जो है वो है बिग क्रोम प्लैटिनम, और यूज नंबर 5 है मेरे ख्याल से इसका, इसको 2 बार और यूज करूंगा और फिर फाइनली कंपेयर करेंगे 7 o'clock सुपर प्लैटिनम से। तो ये बिग क्रोम प्लैटिनम की ब्लेड कर दी लोड, और इसके बाद में इसमें एक नोन इशू है डेफिनेटली, कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्लेड अलाइनमेंट है या टॉप कैप जो है वो बराबर बेस प्लेट से अलाइन नहीं होती, लेकिन अगर आप ब्लेड देखोगे तो ब्लेड जो है वो बराबर बेस प्लेट से पैरेलल है, विच इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो टॉप कैप नहीं है पैरेलल, लेकिन ब्लेड का जो एज है वो बेस प्लेट से बराबर पैरेलल है। ठीक है, इसलिए रेजर मैं यूज कर चुका हूं, इसका रिजल्ट अच्छा ही है। चलो आप फर्स्ट पास विद द ग्रेन चालू करते हैं, बिग क्रोम प्लैटिनम एंड रुबाब मेन सेफ्टी रेजर मैट ब्लैक। स्लिकनेस तो है यार, आई एम सरप्राइज। पूरा शेविंग करने के बाद में फिर एक्सपीरियंस लेंगे पोस्ट शेव फील वगैरह। दोनों तरफ भर गए, इसको आप स्क्विश कर लो अपने शेविंग मग में, या फिर इसको आप नल के नीचे भी साफ कर सकते हो। बिग क्रोम प्लैटिनम अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट थोड़ी स्मूथ भी लग रही है, लेकिन एक चीज मैं नोटिस कर सकता हूं कि 4 या 5 शेव के बाद 7 o'clock सुपर प्लैटिनम जितनी स्मूथ थी उतनी स्मूथ अब ये बिग क्रोम प्लैटिनम नहीं लग रही है। सफिशियंटली स्मूथ है, शार्प भी है, शेविंग भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन एक जस्ट डिफरेंस जो है फील में वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पास जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप पोस्ट शेव फील चेक करते हैं, ऐसे में अगर फील करूं बिना पानी लगाए तो बिल्कुल ड्राई लग रहा है, कुछ ज्यादा मॉइस्चराइज कुछ नहीं है। अगर पानी लगा के चेक करूं तो फिर थोड़ी सी स्लिकनेस मेरे को लग रही है, तो कोई मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट तो नहीं है, ऑफकोर्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यार एक बजट सोप से, और क्या लोगे, अब इतना बढ़िया स्टेबल लादर बना दिया, शेविंग अच्छी हो गई, थोड़ा सा स्टबल रह गया तो मैं शेव कर लेता हूँ। ओके, और ठीक है, तो अब जो बचा कुचा लादर है फिर से मैं स्प्रेड कर लेता हूँ चेहरे पे, और चालू करते हैं सेकंड पास के लिए लादरिंग। वापस से हमने पग पे नहीं गए हैं, जितना लादर ब्रश में उतना ही यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ चेहरे पे ताकि ड्राइंग इफेक्ट थोड़ा कम हो। ठीक है, ओके,
यार लादर तो अच्छा खासा है यार, जरा सा सोप लिया था, थोड़ा सा पहले स्किन पे लगाया था और फिर थोड़ा सा गैदर किया था ब्रश के ब्रिसल्स पे, और ये लादर जो है वो बहुत बढ़िया है। एक बजट शेविंग सोप से इतना लादर बनना और इस तरीके का परफॉर्मेंस होना, ये एक अपने आप में गोदरेज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिलीव मी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सही में। 22 रुपये में एक शेविंग सोप ऑफर करना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब सेकंड पास वापस विद द ग्रेन, मैक्सिमम स्टबल जा चुका है तो कोई चैलेंज नहीं है अब। बस एक फिनेस के लिए, अगर आप अगेंस्ट द ग्रेन या अक्रॉस द ग्रेन नहीं करना चाहते हो तो फिर विद द ग्रेन ही 2 बार कर लो, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फिनेस आपको मिल जाता है। मतलब 2-3% जितना और स्टबल बचा होगा 95% के बाद, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। 100% अगर आपको स्मूथ करना है कि बिल्कुल उल्टा सीधा कैसे भी हाथ लगाओ फील नहीं होना चाहिए स्टबल, तो फिर उसके लिए तो आपको अक्रॉस और अगेंस्ट ग्रेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि आप कंफर्टेबल शेव प्रिफर करते हो या क्लोज शेव प्रिफर करते हो। अगर आप क्लोज शेव के साथ साथ कंफर्टेबल शेव अचीव कर पाते हो, दैट इज एन आइडियल सिनारियो, उससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, ड्राई हो गया स्किन पूरा बिल्कुल कोई मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अगर पानी लगाया जाए तो थोड़ी सोप की स्लिकनेस या जो फिसलाहट कह सकते हो, लास्ट टाइम एक यूज किया था गीलाहट तो किसी ने कमेंट किया था कि बड़ा मजा आया, तो आज यूज करते हैं फिसलाहट। तो फिसलाहट जो है वो है सफिशियंट, ठीक है। और लादर जो है वो अभी भी इतना बचा हुआ है अपने शेविंग ब्रश में, तो अब जो है वो लगभग 12 मिनट हो गए हैं। फटाफट मैं रिंस करता हूँ और फिर अपन एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने रिंस कर लिया, गर्म पानी से रिंस किया और आते हैं अपन अपने एक्सपेरिमेंट सेक्शन पे। तो देख सकते हो ये ब्रश भीग रहा था इतने टाइम से, लगभग अभी देख सकता हूँ मैं 12 मिनट हो गए, और अब इसको जो है वो हम टेस्ट करेंगे ये एक्स के शेविंग क्रीम के साथ में। जरा सा शेविंग क्रीम लिया देख सकते हो आप। तो टेस्ट क्या करना है, टेस्ट ये करना है कि कहीं ये ब्रश जो है वो लादर खा तो नहीं जाता या फिर इसके ब्रिसल सॉफ्ट हुए या नहीं। तो थोड़ा सा इसको डिप कर लेता हूँ वापस गर्म पानी में, एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा रहने लेता हूँ। चालू करते हैं लादरिंग। ब्रिसल्स तो मेरे को सॉफ्ट लग रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। लादर भी बन रहा है बट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं बन रहा है, ये बात तो है। बन रहा है लादर, इतने में आप एक हाथ पास आराम से कर सकते हो, बट लेट अस गिव अस सम मोर टाइम, लेट अस गिव इट सम मोर टाइम, इसको थोड़ा और टाइम दो। तो हाँ अब जो है वो लादर थोड़ा बन रहा है, मेरे ख्याल से पानी थोड़ा ज्यादा रह गया था इसमें। देख सकते हो आप, हाँ तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा लादरिंग करने में, लेकिन ब्रिसल्स वगैरह जो है वो पूरे सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं शेव्ड स्किन पे यूज कर रहा हूँ यार, अगर जरा से भी ब्रिसल्स जो है नुकीले होते या स्टिफ होते तो मेरे को तुरंत पता पड़ जाता, ठीक है। अब ये जो है लादर इसका बन गया, यस। तो कोई लादर ईटिंग के एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पानी थोड़ा ज्यादा रह गया होगा शायद से, इसलिए लादर थोड़ा सा ढीला बना और बनने में भी थोड़ा टाइम लगा, बट अदरवाइज ब्रिसल्स जो है इसके सॉफ्ट हो गए। नॉट जो है इसका जुड़ गया है बराबर हैंडल से, मैंने इसको बराबर रफ किया सब किया तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं, कोई नॉट हिला भी नहीं और कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट आज भी हमारा सक्सेसफुल रहा, और हमारा पर्ल का ये बोर हेयर ब्रश जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया फॉर श्योर। देख सकते हो आप लादरिंग अच्छी हुई इससे, अभी भी इतना लादर बचा हुआ है,
इस ब्रश के नॉट के अंदर। तो लादरिंग इज सक्सेसफुल, सो दैट्स वाई हमेशा की तरह जो पहले भी फ्रैंक रोबोस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ब्रश को ब्रेक इन अच्छे से करो, काफी बार लादर बनाओ, उससे आते जाते दिन में दो तीन बार लादरिंग करो ब्रश से, ठंडे पानी से ही करो भले। आपका एम उस टाइम पे जो है वो स्प्लिट एंड्स लाना है बाल में, और उसके बाद में जब भी आप शेविंग में यूज करो तो शेविंग स्टार्ट करने से 10 से 15 मिनट मैक्सिमम उसको गर्म पानी गुनगुने पानी में भिगो के रख दो। और याद रखना कि आपको सिर्फ ये बाल भिगाने हैं, ये नॉट ये यहां से स्टिक होता है और ये हैंडल ये नहीं भिगाना है। अगर वो भीग गया तो ये चांसेस हो जाते हैं कि वो गर्म पानी से ढीले हो जाए और फिर नॉट आपका हैंडल से निकल सकता है। ठीक है, तो अब मैं कर लेता हूँ वापस रिंस और फिर जाते हैं आफ्टर शेव सेक्शन पे। दोस्तों मैंने रिंस कर लिया और एक्स के शेविंग क्रीम के कारण थोड़ा ठंडा भी लग रहा है फॉर श्योर, लेकिन यार स्किन एकदम स्मूथ हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे से एक्सफोलिएट हो गया ब्रश से और इस पिंक वुल्फ के नो सोप 3-in-1 डिटॉक्सीफायर से फॉर श्योर। अब टाइम है आफ्टर शेव का, तो आज का आफ्टर शेव है एन हर्ब आफ्टर शेव कंडीशनर और ये मेरी सिटी में बनता है। ये पता ही नहीं था मेरे को, बट काफी लोगों ने इसकी तारीफ की उसके बाद पता चला, एंड यस देन आई रियलाइज कि अब वो मुझे कैसे पता पड़ा ये भी एक स्टोरी है। मैंने ऑर्डर किया उसको सुबह और ये शाम तक डिलीवर भी हो गया मेरे घर पे अमेजोन से, तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी कहां से डिलीवर हो गया, तो पता चला कि यही पे इसकी फैक्ट्री है। गुड सेंट, हर्बैलिक सेंट है, मतलब हर्ब एंड स्पाइस हल्का सा और इसमें कूलिंग इफेक्ट है जो कि सटल है और मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें ओवरवेलमिंग कूलिंग इफेक्ट नहीं है, इसमें एक सटल कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट एज गुड एज पिंक वुल्फ जैसा है ये आफ्टर शेव कंडीशनर। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यू नो ज्यादा ठंड के लिए अच्छी है, वैसे आप इसको कभी भी लगा सकते हो कम ज्यादा करके, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्टिकी है, तो जिन लोगों को ऑयली स्किन है वो लोग थोड़ा ध्यान रखना, बट जिनकी स्किन ड्राई है मेरे जैसी या यू नो कॉम्बिनेशन स्किन है वो लोगों के लिए ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब फाइनली प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो गोदरेज शेविंग राउंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया एक बजट सोप के हिसाब से, क्या यार बिना गिरे पड़े मेरा वीडियो बन ही नहीं सकता। तो एज अ बजट शेविंग सोप दिस इज द बेस्ट शेविंग सोप विच आई हैव यूज्ड टिल नाउ। ऑफ कोर्स देयर इज आर्को वगैरह, लेकिन उसमें कंसर्न है कि उसमें टैलो होते हैं प्लस वो टर्की से मंगाना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपना देसी गोदरेज शेविंग सोप किसी के पीछे नहीं है, ठीक है। हाँ, इट मे नॉट बी द बेस्ट शेविंग सोप बट इसकी बजट कैटेगरी के अंदर दिस इज माई फेवरेट शेविंग सोप फॉर श्योर। उसके बाद में रुबाब मेन का शेविंग ब्रश, अभी भी इतना लादर बाकी है, बबल्स छोटे हैं, सो डिसिपेट नहीं हुआ लादर, काफी सारा लादर बाकी है विच इज गुड फ्रॉम बोथ द परस्पेक्टिव ऑफ सोप एंड द ब्रश। उसके बाद में रेजर, गुड रेजर, रुबाब मेन का रेजर हमें पता ही है अच्छा परफॉर्म करता है, इट्स माइल्ड एंड इट शेव्स नाइसली, कोई दिक्कत नहीं है। बिग क्रोम प्लेटिनम ऑन यूज नंबर 5 शेव्ड ओके, नो डाउट शार्प था और स्मूथ भी था, लेकिन इतने नंबर ऑफ शेव्स के बाद भी जितना जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम जो है वो स्मूथ होता है उससे थोड़ा कम स्मूथ था शार्पनेस, मतलब मुझे थोड़ा हल्का सा हार्शनेस महसूस हुआ जो कि अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, बट स्टिल फ्रॉम अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो था। उसके बाद में लास्ट एन हर्ब के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट अपना सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा, मुझे मजा आ गया। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना अगर ये सब फाइंडिंग्स है तो आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बोर ब्रशेस यूज कर सकते हैं या नहीं तो उनको शायद कुछ हेल्प मिल पाए। ओके, सो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने सुझाव और सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर दो। आपको पता ही है मेरे से कैसे कनेक्ट करना है, नहीं बताया तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है उन सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कीप अप द गुड शेव्स।
बाय, नमस्कार।